भगवान ये कह रहे हैं हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छह ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। भगवान कह रहे हैं छह ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान जो प्रकट होंगे, देवकी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तो माता यशोदा की पुत्री के रूप में जो प्रकट हुई वो कौन थी? योग माया थी, सुभद्रा देवी, सुभद्रा के रूप में प्रकट हुई। तो कृष्ण बलराम की ये छोटी बहन के रूप में, सबसे लाडली बहन भगवान की, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण और बलराम, तो ये प्रकट हुई, ये योग माया का विस्तार प्रकट, साक्षात योग माया प्रकट हुई वहां पर नंदगांव। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो श्रीमद् भागवत का भगवद गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने प्रकोट के अंदर, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसके अंदर बता रहे हैं बहु नेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना अथवा विष्ट भया विष्ट भयम भयम इदम रुद्रसन्म अंक्षेना स्थितो जगत। इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है भगवान अर्जुन को बोलता है, क्योंकि भगवान अर्जुन को जब ये अपना विभूति दिखा रहे हैं ईश्वरी, और एक एक करके ईश्वरी के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो भगवान अर्जुन को ये बोलता है, अर्जुन देख के परेशान था कि भगवान का ईश्वरी कितना अद्भुत है, तो और भी जानने की इच्छा प्रकट कर, वो भगवान अर्जुन ने आगे चल के ये बोला विस्तारेण आत्मा योग विभूतिं च जनार्दन। तो आप हे भगवान, मैं आप अपने ऐश्वर्यों के बारे में विस्तार से बताएं, मैं आपके बारे में जानने का इच्छुक हूँ। विभूति, विभूति का मतलब भगवान का ऐश्वर्य है ना, उसके बारे में आप वर्णन करें, मैं जानने का इच्छुक इच्छुक हूँ अर्जुन, और वो भी डिटेल में बताऊँ उसकी इच्छा थी। लेकिन भगवान ये श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में, ये श्लोक तो आगे आता है विस्तार आत्मा योग, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान जो इस प्रकट रूप में उसमें ये कह रहे हैं कि इतने विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं अपने एक अंश से ही ये सारे विश्व में व्याप्त हूँ। एक अंश से भगवान, भगवान कृष्ण पूरे संसार में व्याप्त हो सकते हैं खाली एक अंश से, एक अंश से भगवान सारे कार्य कर सकते हैं। हालांकि ये सारी शक्तियाँ अलग अलग हैं, जीव तत्व विष्णु तत्व शक्ति तत्व, इन सब के तत्व अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं, है ना, लेकिन भगवान किसी भी एक शक्ति से एक अंश से तत्व से इन सबको मिलाकर अपना एक अंश बनाकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान है सर्वशक्तिमान, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो अभी हम देखते हैं सुमेरु पर्वत जो है, जब नारद मुनि गए थे ब्रह्मा जी के साथ, जब सभा लगी थी और देवता लोग ने प्लान कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रकट होना है, असुरों का वध कर रहे थे भगवान की सहायता कर रहे थे, तो वो सब प्लान हो रहा था, नारद मुनि वहाँ गए। तो ये जो सुमेरु पर्वत है, मेरु पर्वत जिसको कहते हैं, ये ऐसा बना हुआ है कि तो उसकी जो चोटी है ना वो वास्तव में ऊपर का हिस्सा नहीं, वो नीचे वाला हिस्सा है, उल्टा पर्वत है, और ये इतना बड़ा पर्वत है पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच में भी आता है। एक लोकल लोक पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत, ये सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है और सोने का बना हुआ है पूरा गोल्ड का। तो अभी हम ऐसा सोचेंगे ये पर्वत उल्टा क्यों है, नीचे वाला ऐसा ऊपर है और ऊपर वाला ऐसा नीचे, तो ये जब हम सुनते हैं तो इसमें हम क्या विचार रख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है भाई उल्टा पर्वत रखने की, भगवान उल्टा रखे सीधा रखे, भगवान अपना शिष्य चलाते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। जैसे अगर आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में पूर्णिमा के दिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिसको खरगोश भी दिखाई देते, ऐसा दुम बनी होती ऐसा चंद्रमा के ऊपर बना हो, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनका दृष्टिकोण ऐसा अलग है, वो बिल्कुल बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरा अलग प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो इस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी इस प्रकार से खरगोश में बहुत बता रहे हैं, तो बोले भगवान है, भगवान को उस चंद्रमा में इस देखकर उसको आनंद चाहिए, तो भगवान वो उसको दिखा सकते हैं कर सकते हैं, तो भगवान अपनी शक्ति की किसी भी वस्तु से अपना आनंद ले सकते हैं,
जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है ना। ये केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं।